करेगा। संगना उपास
समानिवाकुति समानदानिवा समानवासुभोगनतो यतावा सुशाशिति संगचरण संगो मनाता संजना उपासते समानिवाकुति समानदानिवा समानवास्तु यथावशुषाशति चले साथ और बोले साथ दिल से ही मिल जिए साथ अच्छे कर्म करे हम साथ बैठ के साथ भजे हम ना हो संकल्प समान समान ओ जन जन के हृदय समान निश्चय सम हो कार्य समान बने सम एक मानव समान ब्रह्म भाव में ध्यान करें हर श्वास में ब्रह्म योग निद्रा ध्यान अनंत ब्रह्म में अकेले बैठे चारों तरफ दिव्य प्रकाश और हम अपने शरीर के एक एक अंगों को शुद्ध और शांत कर रहे जागृत कर रहे rejuvenate your toes to ankles. Ankles to knees, knees to thighs, thighs to tailbone. Muladhara chakra, prathama nishadhi, chaya pritvi tattva. Tailbone is a urinary point, swadhisthana chakra. द्वितीय ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचर्य की शक्ति जल तत्व तृतीय चंद्र घंटे की धीरे धीरे आप मन को नाभि बदलाएं चंद्र घंटे अग्नि प्रकाश चैतन्य And you are able to command Lajja Prashunta Isha, Lajja shyness, Prashunta backbiting, sadism, Irsha jealousy, Shushupti laziness, Vishal depression, Kasai yearning for acquisition, Trishna yearning for acquisition, Kasai irritability, Moho false attachment. घृणा हेतु एंड फियर यह सब आपके प्रकाश अग्नि के नियंत्रण से हो रहा है और लिवर किडनी पैंक्रियास छोटी आंत बड़ी आंत माता बहनों में गर्भाशय
all are getting regulated. Now we sugar take it in the center of chest to concentrate. Tritium chandra ghanti pushmandi ki chakra pitam pushmandi sansari akarshan vashnaon ka da asha chinta cheshta mamta vive drudta nivarta vidar kanta khanda in sabo par niyanta asha vadi vana hriday aur phephde mein oxygen ki pravah se aap in dwara mrityu par niyanta धीरे धीरे मन को कंट कर लाइए विशुद्ध चक्र रेगुलेट योर थायराइड ग्लैंड थ्रोट नेक शोल्डर्स आर्म्स एंड होल रिस्ट एंड फिंगर्स ऑफ द हैंड्स ऑल आर रेगुलेटेड कम बैक टू योर नेक Bhavanam Kendram. Concentrate on the center of the eyes. Bhavanam Kendram. Parshwas mein Brahma Bhav. Dono aankhon ke beech third eye of consciousness agya chakra pituitary gland rejuvenate your face apne chehre ko prakashit kare daadhi aur gaal kaan na kaan ki bahut lagaa kar mastish प्रभुभाव मस्तिष्क ऊपर सहस्रार जगह पीनियल ग्लैंड पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड द मास्टर ग्लैंड्स इफ यू आर कनेक्टेड विद दिस देन यू आर एबल टू कमांड द फ्लो ऑफ योर एड्रेनलिन स्वादिष्ठान चक्र जस्टिस मेल ओमेल फीमेल मणिपुर चक्र एड्रेनल ग्लैंड इनका नियंत्रण करना सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड के हाथ में थोड़ा भी तनाव अहंकार इच्छाओं आकांक्षाओं के कारण बंधन
इन सबों को आप बीमारियों का कारण बनाएंगे। अगर आपका भक्ति तत्व सेवा दया करुणा कृपा समर्पण जागृत नहीं है तो अहंकार हृदय चक्र मनः चक्र यू हैव टू चैनलाइज योर ईगो टुवर्ड्स वननेस विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। आत्मविश्वास और अहंकार में एयरलाइन डिफरेंस है। सर्व कर्म ब्रह्मेव समर्पण, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब ब्रह्म का है, सब कुछ ईश्वर की कृपा से हो रहा है, यह भाव दिस इटसेल्फ इज द रियलाइजेशन ऑफ दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस वेयर यू फील दैट आई एम द सुप्रीम इज वन, मैं और ब्रह्म एक हूँ। Come down to the center of chest, hriday pare gaage pare. Khuli aankhon se dhyan kare, diksha dhyan. Open your eyes and feel the energy. Chalte, girte, uthte, baithte, har sthiti mein agar brahm ka bhav ho, har swaas mein brahm ka jaap ho, aap उस अनंत से कनेक्टेड। इन एवरी ब्रेथ इफ यू चैंट द ब्रह्म द सुप्रीम एनर्जी यह साक्षात रक्षा ध्यान, मैं और ब्रह्म एक है, अहम ब्रह्माश शिव शक्ति आत्मक ब्रह्म शक्ति सस्पृशिष संचरित प्रति संचरित शिव और शक्ति का बन है। तो हर कर्म में कर्तित विमान त्याग फल आकांक्षा त्याग सर्व कर्म ब्रह्म स्मृति। तो आप खुली आंखों से ध्यान में रहे, क्लोज योर आईज अगेन, पुनः आंखें बंद करें। हृदय के मंदिर में पुनः है का मन अगर भटक जाए, बाहर चला जाए, बहिर्मुखी हो जाए, तो पुनः आप अपने मंदिर को शरीर से योग निद्रा ध्यान पुनः कर सकते हैं। पैर के अंगूठों से एड़ियों तक जाकर करते हुए ब्रह्म का जाप हर श्वास में एड़ियों से घुटनों तक घुटनों से बनाव से होते ही जलाधार चक्र चार गुरु पर जननेन्द्रियों के पास न्यूटन पॉइंट के पास अभिचान चक्र लंबा गहरा श्वास लेते हुए मंजू चक्र नाभि के मध्य में हृदय के मध्य में अनाहत चक्र हार्ट और लंग्स को जागृत करते हुए थ्रोट पर विशुद्ध चक्र गर्दन कंधे वालों के लिए बनाए हाथों में इंद्रियों का जागृत इस प्रकार हर समय आप अपने शरीर के साथ यात्रा करते हो, हर चक्रों के साथ आप चलते फिरते उठते बैठते ध्यान में 24 घंटे ध्यान कर रहे प्रार्थना करेंगे। नित्यं शुद्धं निराभासं
निराकार निरंजन नित्य बोधम चिदानंदम ब्रह्मा त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय की विभिन्नता का प्रार्थना कर दे सकता है। I salute my consciousness, the very universe consciousness, with the love of my heart. चलिए तो आज हमने जो मेडिटेशन का प्रैक्टिस किया था, उस मेडिटेशन में आप तीन चीजें आपके साथ एक साथ है। पहला जो यजुर्वेद में कहा आत्मनम रति बुद्धि शरीरम रति बुद्धि बुद्धिनुसार भी बुद्धिमान प्रवर्धने हुए। अभी तो दुनिया की बहुत सारे ध्यान पद्धति हैं, लेकिन उस ध्यान पद्धति में जो रिसर्च का विषय है कि जो यजुर्वेद कह रहा है और कठोर उपनिषद में भी आया है कि जिनकी आत्मा जागृत है, जो समझदार है, बुद्धिमान है, जो समझते हैं शरीर क्या है, वो अपने शरीर को आत्मनम रति शरीरम रति शरीर को वह वाहन बनाते हैं जिस वाहन पर आप स्वयं अपनी यात्रा परम पुरुष की हो, यानी परम पिता परमात्मा जो आपकी आत्मा में विराजमान है, जो आप जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, यानी आप ईश्वर के अंदर है, ईश्वर आपके अंदर है, आप ब्रह्म के अंदर है, ब्रह्म आपके अंदर, यू आर इनसाइड यूनिवर्स एंड यूनिवर्स इज इनसाइड यू, चारों तरफ ब्रह्म है और मेरे अंदर ब्रह्म है। यह भाव जैसे ही होगा तो आपकी मेडिटेशन शुरू होगी और यही हुआ मेडिटेशन। अब इसमें आपकी शरीर क्या है, वाहन है, दैट व्हीकल शरीरम रत्ने भवति। जैसे ही आपकी यह जागृति हो गई तो आप बुद्धि की साथ में आपकी जो बुद्धि है, जो आपके इंटेलेक्ट है, वह पिनाकल हो जाएगा, इंट्यूशनल हो जाएगा। इंट्यूशनल इंटेलेक्ट से आप मतलब ब्रह्म भाव में सब कर्म करें और आपके जो मतलब बुद्धि है वह ड्राइवर, दैट इज द गवर्नर ऑफ योर लाइफ एंड थ्रू योर बॉडी, आपके शरीर के माध्यम से आपकी चेतना को, आपके इंद्रियों को, मन प्रकरण में बचा, दस इंद्रियां आपकी जो नाक कान जीवा और त्वचा, ये पांच ज्ञान इंद्रियां, फाइव सेंसरी ऑर्गन्स, आईज नोज ईयर्स स्किन एंड टंग, जो पांच तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांच आपके तन्मात्र हैं, इन पांचों तन्मात्र को रिसीव करके एक्शन में लाने के लिए करने के लिए हाथ हस्त पार हाथ पैर वाक स्पीकिंग ऑर्गन पायुपस डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड यूरिनरी ऑर्गन, जो आपके जेनिटरी ऑर्गन सेक्सुअल ऑर्गन की है, डाइजेस्टिव ऑर्गन जो गुदा से आता है, ये दस पांच ज्ञान इंद्रियां पांच कर्म इंद्रियां, अगर यू आर नॉट हैविंग दिस कॉन्शियसनेस टू गवर्न, मतलब अपने मन को आप अगर परमात्मा नहीं बनाते, ब्रह्म भाव में नहीं प्रतिष्ठित करेंगे, तो आपकी इंद्रियां आपको जो खाना चाहिए वह नहीं खिलाएगा और जो नहीं खाना चाहिए वो खिलाएगा, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनाएगा, जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनाएगा, यानी आपका मन जो 10 × 10 = 100 कौरव, 10 इंद्रियों का गुलाम दशानन, जो 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया, 10 विजयदशमी, 10 इंद्रियों को हराया, 10 हरा, ये 10 ये इंद्रियों पर नियंत्रण, 10 इंद्रियों का गुलाम बनकर 10 दिशाओं में भागना, 100 और वो आप पंच महाभूत पांच कोश पांच ये इंद्रियों पर नियंत्रण, पृथ्वी मैंने आपको क्या यात्रा कराया, टेल बोन पर मैंने आपको कहा
कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो पृथ्वी तत्व पर नियंत्रण होगा। प्रथम क्षार मंत्री एडवांस लेवल पे हम आपको बीच मंत्र सिखाएंगे। लम बीजम धरणिम व्याय चतुर आश्राम सुपीतावान सुगंधम स्वर्णवर्णत्वम आरोग्यम देहलाभम। मतलब यह बीज मंत्र जो पृथ्वी तत्व पर नियंत्रण कर रहा है, यू कमांड फिजिकल बॉडी, तब आपको 80 साल की उम्र में 100 साल की उम्र में भी आपको बीमारी नहीं, आरोग्यम देहलाभम। जल तत्व पर नियंत्रण होगा ब्रह्मचर्य की सिद्धि, ब्रह्मिणी भी चरण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ ऐसा नहीं होता कि आप विवाह मत कीजिए, आप बच्चे पैदा मत कीजिए। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म में विचरण। ब्रह्म क्या है? शिव और शक्ति मिलकर ब्रह्म है। यूनिवर्स इज बाय द कॉन्शियसनेस एंड नेचर, चेतना और प्रकृति को मिलकर, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति। तो साइंस की भाषा में एनर्जी एंड मैटर, ये दोनों मिलकर ब्रह्म हुआ, यूनिवर्स हुआ। अब इसको, इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को, इस ब्रह्म भाव में जीना, मैंने जो कहा कि जो हम श्लोक बोलते हैं और जिसके लिए मैं मेडिटेशन कराता हूं कि सब चीज में ब्रह्म को देखें, श्वास में ब्रह्म से, छोड़े ब्रह्म से, ये जो ब्रह्म भाव है आपका, हर समय आप ब्रह्म में रहे, तो मैं ब्रह्म के अंदर हूँ, ब्रह्म मेरे अंदर है, और शरीर के एक चक्रास को, जहाँ एनर्जी सेंटर्स है, यूरिनरी पॉइंट, स्वाधिष्ठान चक्र, लेवल पॉइंट, मणिपुर चक्र, अग्नि तत्व, तो प्रथम शल्पकृति, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रग्रंथि, अग्नि, कुष्मांडे की चतुर्थकम, यह आ गया, सॉरी आपके यहाँ पर सांसारिक आकर्षण का, यहाँ पर पशु से मनुष्य का ये बॉर्डर लाइन है, यहाँ पर आपका हार्ट चक्र, हृदय और फेफड़े को आप रेगुलेट इसलिए करते हैं क्योंकि यू आर विदाउट ऑक्सीजन यू कैन नॉट सर्वाइव। वायु के बिना आप प्राणायाम करके थोड़े समय के लिए रह सकते हैं, आप पृथ्वी तत्व पर आप नियंत्रण कर सकते हैं, बिना भोजन के आप रह सकते हैं, बिना जल तत्व पर नियंत्रण कर सकते हैं, बिना पानी के आप रह सकते हैं कुछ दिन, लेकिन वायु के बिना आप कुछ समय ही रह सकते हैं। इसीलिए वायु कितना पावरफुल है, इसीलिए वायु दोष होने से आपकी पहला सिम्टम से आपके बॉडी में पेन होता है, वात, वायु और आकाश की गड़बड़ी, और वायु की गड़बड़ी, वायु पांच है, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। प्राण वायु आपके हार्ट और लंग्स को रेगुलेट करता है, ब्रेन को रेगुलेट करता है। अपान वायु में डाइजेशन, आपका गैस हो गया, आपने रात में खाना, आपने एसिडिक खाना खा लिया, दाल खा लिया, खूब पनीर प्रोटीन खा लिया, आपकी डाइजेशन ठीक नहीं होगी। यह क्यों हुआ? क्योंकि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रेनल ग्लैंड, आपकी लीवर का संबंध टूट गया, और आपने अपनी जीवा इंद्रिया को कंट्रोल करना नहीं सीखा, नहीं हुआ। दैट इज व्हाट इज डायबिटिक। एवरी डायबिटिक पेशेंट इज हैविंग ए बिग डिजायर टू ईट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कमांड दैट एड्रेनल ग्लैंड, वो स्ट्रेस में जीते हैं, और उसी प्रकार आर्थराइटिस के जोड़ों में दर्द के मरीज, उनका वात रोग वहां से शुरू, because they are not having the connectivity of the pituitary gland with the adrenaline and the lower glands. तो ये जो साइंस है, बायोसाइकोलॉजी जिसको कहते हैं, या पूरा विज्ञान जिसको समझना है, वो सारा चक्र बैलेंसिंग से करते हैं आप। The moment आप जैसे ही श्वास के साथ अपने शरीर पे आप एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, तो पांच मिनट भी कहीं भी बैठे हैं, अब बैठ कर आप एनर्जी सेंटर्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यानी आप बॉडी में चक्रास, हार्ट में आ गए, आपकी थाइमस ग्लैंड इम्यूनिटी डेवलप करनी शुरू हुई, थायराइड ग्लैंड, तो यही है आपकी रेकी, यही है आपका प्राणिक हीलिंग, और इसी हीलिंग एनर्जी को आप जैसे ही चैनलाइज करेंगे तो आप सबको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, फिर दैट ऑरा विल बी एबल टू रेसिप्रोकेट द एनर्जी टू द होल ऑफ द यूनिवर्स, and that time you have the third eye of consciousness awakened, pituitary gland awakened है, और आंखों से जितनी दृष्टि आपकी होगी, और internal आंखों से
उतनी दृष्टि से आप दुनिया के सारे चीजों को देख सकते, और जहां तक आपका मन जाएगा वहां तक आप पॉजिटिविटी ट्रांसफर करेंगे। और अगर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हो गए, आप आदि गुरु शंकराचार्य की तरह हो गए, या आप संत ज्ञानेश्वर हो गए, महर्षि ध्रुव हो गए, तो आप पूरे यूनिवर्स में एक बार में ट्रांसफर कर सकते। बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, गुरु नानक हो गए, आप मीरा हो गए, कबीर हो गए, और आप एक्चुअली शिव हो गए, चिदानंद रूपम शिव आत्म शिव। सो दिस इज व्हाट इज अवर एक्चुअल गोल, दैट इज व्हाट इज योग। योग मींस संयोग, योग के उत्तम उत्पादन जीव का शिव से मिलन ही हो, राधा का कृष्ण से मिलन ही हो। इसीलिए हम वृंदावन में राधे राधे, जय श्री राधे। श्री यानी परम पुरुष, श्री किसको कहते हैं, परमात्मा को, परम पुरुष। उसके साथ जो प्रकृति है, प्रकृति यानी राधा, जब एक हो जाती है, तो पुरुष के साथ प्रकृति जब एक हो जाती है, तो आप ब्रह्म हो जाते हैं। आप ब्रह्म उस पूरे यूनिवर्स में हो जाते। सो दैट इज व्हाट इज कंप्लीट सार। और राम राम कर्म क्या, रावणस्य मरणं रामं, जो मैंने 10 इंद्रियों का गुलाम दशाना उसके साथ एकाकार हो गया, तो आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया, तो रावण आपके अंदर जो है उसको आपने नियंत्रण किया, तो आपके अंदर आपके इंद्रियों का जो जो मैंने आपको कहा कि आपने खाना खाने में अपने जीवा पर कंट्रोल नहीं किया, आपको जो देखना चाहिए उसको कंट्रोल नहीं किया, तो आप रावण हो गए। उस समय की उतना देर का रावण आपको सुबह में आपको खाना डाइजेशन जैसे आपको भूख लगी और आपने काफी तली भुनी चीजें खा लिया, जैसे समोसे खा लेते हैं हम लोग, जो फ्राइड चीजें चिप्स और बिस्किट से वो खा लेते हैं। और अगर आपका राम जागृत है, रावण पर नियंत्रण है, यानी रावण यानी इंद्रियों पर नियंत्रण है, तो आप उपवास करेंगे, आप अपनी नाड़ी को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आपको भूख लगेगा तो सूर्य नाड़ी आपकी जो चंद्र नाड़ी है ठंडी नॉस्ट्रिल बंद हो जाएगा, आपके एड्रेनलिन ग्लैंड आपको एग्रेवेट करेगा, आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वह आपकी तेज हो जाएगी, हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और आप रेस्टलेस होंगे, और उस समय आपको कुछ भी चाहिए तो आप जंक फूड खाएंगे, और यही होता है। अभी इसी पर आप जैसे नाड़ी शोधन कर लिए, नियंत्रण कर लिए, बहुत भूख लग रहा है, ब्रेड बिस्किट कुछ भी खा लेंगे, अब जैसे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड, आप थोड़ा देर की तक करें, एक लंबा गहरा सांस लेंगे और अपने राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर सांस लाने की आप क्रिया करेंगे, क्या करना होगा आपको, आपको पहले ठंडा करना होगा, तो आप वॉशरूम जाएंगे, मुंह में पानी भरेंगे और आंखों को स्प्रश करेंगे, कब, जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद हो रही है और तीव्र भूख लग रहा है, और आपकी टेम्पटेशन किसकी तरफ है, उनकी तरफ जो एसिडिक फूड की तरफ, आपको भोजन क्या लेना है, अल्कलाइन, तो आपको कोई फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट, ऐसे लोगों को अपने साथ ड्राई फ्रूट्स रखना चाहिए, किशमिश, ये बादाम वगैरह कुछ रखे, पानी में नहीं भी भीगा के अगर बात है तब भी आप उस टेम्पटेशन से बचेंगे जो एसिडिटी क्रिएट करेगा, और फ्रूट मिल गया तो दैट इज बेस्ट, एंड बेस्ट इज लेमन, आप नींबू अपने साथ रखें, हनी रखें, जैसे ऐसा टेम्पटेशन हुआ आपने ग्लास निकाला, नींबू निचोड़ा और हनी डाला, और ये नहीं कुछ मिला तो सिर्फ हनी वाटर, नींबू भी नहीं है, हनी का आप हमेशा रख सकते, कहीं भी मिल जाए किसी मेडिकल शॉप में, तो आपने शहद पानी ले लिया। तो ये उपवास में आज मैं ये बता रहा हूँ कि हमने आज एकादशी, कल एकादशी का, आज एकादशी आज भी कर सकते हैं, आने वाले पूर्णिमा जो भगवान बुद्ध का जन्मदिन है, जो हमारे गुरुदेव का भी जन्मदिन है, यानी 16 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा, आनंद पूर्णिमा के रूप में हम लोग मनाते हैं। आनंद क्या है, आनंद मतलब ब्रह्म भाव में, जो इतनी सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ यह सब आनंद की स्थिति, तो आनंद पूर्णिमा या आनंद यह पूर्णिमा से इस सप्ताह आप लोग, यानी आज से लेकर के ये 4 दिन आप लोग
में से कोई एक दिन आप लोग उपवास करके अपने आप को डिटॉक्स कीजिए और देखिए आपके निजी भगवान बुद्ध के बराबर आप अपने मन को शिवत्वम आप आनंदम ब्रह्म भाव में आप अपने मन को ले जा पाएंगे इस विज्ञान को समझ कर, जिसका आप इस मेडिटेशन का फिर से आज कल अभ्यास करेंगे। आज इस पर जो मैंने थोड़ा बोला इसी की थियोरिटिकल भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आज हम शाम में करेंगे और आज जो लोग उपवास कर सकते हैं मेरे साथ करें, कल हम लोग फास्टिंग ब्रेक संत रक्षा कर सकते हैं, अगर कल जिनकी छुट्टी है तो आज कर लें, नहीं तो कल कर लें जो लोग वर्किंग है, और परसों फिर जिस तरीके से आप डिटॉक्स करें। तो जैसे आप ये डिटॉक्स करेंगे शरीर को आप उस परमात्मीय चेतना में आप लगाएंगे तो आपका नाड़ी तंत्र शुद्ध होगा और आपके जो नेवल पॉइंट से एनर्जी आपके हार्ट चक्र हार्ट से ऊपर आना बंद हो गई शुद्ध और आज्ञा ये है। तो मैं जितनी आसनास बता रहा हूँ जिसका अभी हम जो अभ्यास थोड़ा 15 मिनट करेंगे उस अभ्यास में आप पाएंगे कि आप लोअर चक्रास से अपर चक्रास में बहुत आसानी से एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज दैट यू हैव टू टेक पॉजिटिव, यू हैव टू इतना डिटर्मिनेशन लाना होगा आपको कि मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, ऐसे भी खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे भी खाना आता है तो पहले आप अल्कलाइन खाएंगे यानी सलाद। अगर आपको वैसे चीजें तली भुनी चीजें समोसे पकौड़े चिप्स बिस्किट्स ब्रेड ये सारी चीजें जो है एसिडिक फूड खाना है तो यू टेक हायर अमाउंट ऑफ सलाड्स वो खा लीजिए और इस तरह से आप इसको नियंत्रण करते राइट। चलिए तो आज भी हम लोग थोड़ा सा 15 मिनट फिर से वो कर जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, तो फटाफट 5 मिनट में हम लोग व्यायाम करते हैं और सभी आपके ज्वाइंट्स हैं उसको 10-10 बार मूव कीजिए हर दिशा में ओके। तो ये सब आपके पूरे जो ये जो विज्ञान हम बता रहे हैं, तो शरीर आपका मैं आपको बताता हूँ कि शरीर आपका इस विज्ञान को अगर आप समझिए तो 100 ईयर्स तक आपको कुछ नहीं होने का। और हमने देखा है क्या है ये विज्ञान को हमने 78 के एज में एक सज्जन को बताया था आज से 20 साल पहले। टुडे ही इज ऑफ 98 वो 98 साल के जवान है, उनकी पत्नी भी चली गई, वो एक फ्रीडम फाइटर है, उनका नाम है डॉक्टर जीजी पारी और आज वो और मैंने कुछ नहीं बताया था, वो तो भगवान को नहीं मानते नास्तिक है, लेकिन मैंने उनको बोला कि आपके भगवान है ये मान लो, वो मानना शुरू कर दिया और हमने बोला कि बस शरीर को आप अल्कलाइन फूड देना शुरू करो, एसिडिक फूड कम करो और फ्रूट्स और सलाड्स ज्यादा खाइए, श्वास लीजिए प्राणायाम कीजिए और हर प्राणायाम में सोचिए कि मैं भगवान हूं। कोई मंत्र नहीं दिया, मैं तो आपको बता रहा हूँ ब्रह्म क्या, ब्रह्म से सांस को ब्रह्म छोड़ो, लेकिन वो ब्रह्म भाव को लेना जरूरी है, ये है आपका सबसे इम्पोर्टेंट कि आप ब्रह्म भाव से आप अगर सांस करते हैं लेते हैं तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए ये हो गया आपका सूक्ष्म योग का आप ये करें। तो आज जो हम लोगों ने मेडिटेशन किया उसमें आप संकल्प लीजिए, डिटॉक्स कीजिए, बॉडी को साफ कीजिए अंदर से, एलिमेंट्री कैनाल नाड़ी तंत्र को शुद्ध कीजिए, कब आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी चलेगी उसको ये कीजिए, अपने गुस्सा पर नियंत्रण अहंकार पर नियंत्रण करने के लिए सेवा और कीर्तन, आप अगर कीर्तन करेंगे और सेवा करेंगे तभी आप अपनी ईगो को कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं कुछ हूँ और मेरे साथ मेरे लिए कुछ हो नहीं रहा, मेरा कुछ बन नहीं रहा है ना। ये जो लाइफ का जो ये स्थिति है मैं मेरा कुछ नहीं होगा, जब तक मैं जीरो नहीं हो जाऊंगा तब तक जीरो नहीं बन सकता, इसीलिए मुझे जीरो होना पड़ेगा। तो ये जीरो को कराने के लिए परमात्मा इतना ड्रामा करता है, इसको ले जाकर
जिसने इस लीला को पहचान लिया समझ लिया वो लीला ना सिंपल सर्व ज्ञान अलीलानंद हो गया और जो इस लीलानंद के स्थिति में प्रतिष्ठित हो गया वो नित्यानंद नित्यानंद वो ब्रह्मानंद हो गया नित्यानंदम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम आनंदम मुक्ति उसे आनंद का मूल विश्व नित्यम गविन सदृशम तत्व वशिया लक्षणम एकम नित्यम विपर्वतम सर्वादि साक्षी कृतम भवति त्रिगुण रहित सद्गुरु तुम नमामि ये है ये जो भाव है इस भाव में प्रतिष्ठित होकर और ये करें आइए अब थोड़ा हेड का और आइस ले लिया एक्सेल डाउन इसीलिए मेडिटेशन जो हमने तरीका बताया उससे 24 घंटे आप मेडिटेशन कर सकते 24 आवर्स यू कैन बी इन ध्यान लेफ्ट थोड़ा देर रुकी 1 2 3 4 5 सीधा इन राइट 1 2 3 4 5 सीधा Exhale left 1 2 3 4 5 up and down 1 2 3 4 5 see that 1 2 3 4 5 up forward inhale up exhale down inhale up exhale down चलिए अभी eyes inhale up exhale down Inhale light, exhale straight. Left, inhale left, exhale straight. Chali, clockwise, inhale up, right, down, left. Blinking and coming. Blink your eyes and your eyes. थोड़ी देर आंखों की सिकाई फिर राउंड राउंड उसको दिखाना पांच बार ऐसे कान को पूरा आज हम लोग 5 मिनट की वॉस्की करेंगे इसके बाद आसन करेंगे 10 मिनट 15 मिनट फिर लेट शुरू कर 1 मिनट चलिए कोशिश करेंगे सब कुछ ये हाथ जोड़कर सीधा रखें और पैर को इस तरह से रखें और एक पैर को उठाकर दूसरे पैर के एड़ी के पास लगाइए फिर वापस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अब हम मेंटली हम झुकेंगे 1 फिर 2 फिर 3 फिजिकली झुक जाएंगे 1 2 3 फिर इधर 1 2 3 4 5 1 front 2 down 3 up 1 back 2 back 3 up Change and tight. 1 2 3 4 5 Left
2, 3, 4, 5. Front, down, up, back, down, up, chain, five. Power, nine, power, kick, 11. Power, nine, power, kick, 11. Power, nine, power, power, nine, power, kick, 11. तो ये कौशिकी देखिए, जैसा हम इन दिन बात कर रहे थे तो प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। प्रवचन तो पूरा यूट्यूब चैनल में और आस्था चैनल में सब जगह आ रहा, ठीक है, जो मैं बातें बोल रहा हूँ सब जगह आपको मिल जाएगा, किताब आपको मिल जाएगा, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे प्रॉब्लम में लाएंगे। तो प्रैक्टिकली के लिए हमने आपको आपको ग्लैंड्स के, चक्रास के, आसनास रिलेटेड, तो सबसे आसान क्या है ये कौशिकी कि आप अपने टोज को जमीन पे लगाइएगा, जैसे आपके पैर के पंजे जमीन पे लगेंगे और लेफ्ट राइट फ्रंट बैक मूव करेंगे तो आपकी पांचों कोश खुलेंगे, आपके इंद्रियों का मूवमेंट होगा और आप के चक्र बैलेंस होंगे। बस एक पूरा विज्ञान है, राइट। तो आपको 22 तरह की बीमारियां ठीक हो जाती है। अब इसी में ये पैर का मूवमेंट ढूंढना नहीं चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 लेफ्ट, 2, 3, 4, 5 फ्रंट, डाउन, अप, बैक, डाउन, अप, जो 1 जो हमारी फिर इसी में तांडव ऐसा है। तांडव में क्या है, सेम थोड़ा सा ज्यादा जंप है, क्रॉस जंप है, जिसको कि हमारी माता बहनों को नहीं करना होता है क्योंकि उसमें एंड्रोजेनस ग्लैंड एक्टिवेट है, ठीक है। तो हमारी माता बहनें कौशिकी करें और भाई लोग तांडव करें, ठीक है। चलिए तो ओनली फॉर ब्रदर्स, रेडी फॉर तांडव, 1, 2, 3 and jump, cross jump, 1, 2. अब हमारे पहनने के लिए कॉस्टली करते हैं क्योंकि ये क्रॉस जंप में एंड जो आपका ग्लैंड है वो एक्टिवेट होता है, इसीलिए हम लोग तो हमारे दीदी लोग पहने अपने घर के जेंट्स को सिखाएं, चले सिट डाउन। अब हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो ले, तो बैठे बैठे रिलैक्स होते हुए और हम लोग ये कर सकते हैं। तो एक लंबा गहरा सांस लीजिए, आप चाहे ऐसे लोगों को ऐसे करके रिलैक्स कर सकते हैं, ऐसे करके बैठ सकते हैं, और जिनको ज्यादा थकान है वो शवासन कर सकते हैं, ठीक है। लेट कर ऑटो से लेकर लेट कर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी नाड़ी खुलनी शुरू है लेफ्ट। ये जो सारा विज्ञान है कि आप वॉशरूम में जाइए, मुंह में पानी भरिए, आंखों को स्प्लैश कीजिए, पेट भिगाइए, हाथ पैर धोइए, मुसलमानों में इसको वजू कहते हैं,
पेशाब करने के बाद अपने जननेंद्रियों को पानी से धोना, यह आपका शुद्धि क्रिया सबसे पहला है। सबसे पहला यूज ऑफ वॉटर आफ्टर इंग्रेडिशन, मूत्र त्याग के बाद जल से उसको शुद्ध करना, यह बहुत जरूरी। ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए रिलैक्स हो चुके, हाँ योग मुद्रा हम लोग कर रहे हैं। आराम से सुखासन, एक पैर को एक पैर पे रख के, ओके, तीन चार आसन से ओके कर लिए। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो योग है अभी जो चल रहा है फिजिकल हो रहा है, लेकिन 24 घंटे आप संसार में रहते हैं और उसके बंधन में ना आए, उसके लिए मेंटल पावर कितना चाहिए, बहुत ज्यादा। तो बिना ब्रह्म भाव के, बिना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के आप संसार के नेगेटिविटी को कैसे कंट्रोल कर सकते, जब चारों तरफ गंदगी है, कीचड़ है, कमल बनना है आपको, तो नीचे से एनर्जी को ऊपर। इसीलिए जैसे इसको हम बोलते हैं, ये पद्मासन जो लगाते हैं, लोटस पोस्चर, लोटस की तरह दिख रहा है वैसे लगने से, और साथ साथ आप नेगेटिविटी को यहाँ से नहीं कंट्रोल हो रहे नीचे के ग्लैंड से, उसको आप कंट्रोल करना शुरू, ओके, यहाँ से शुरू। इसीलिए इसका योग मुद्रा, तो कोई अगर पद्मासन नहीं भी लगा पाते हैं, आधा पद्मासन में भी उनको बेनिफिट, राइट हैंड से लेफ्ट पकड़ा, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए आगे झुके आराम से। अब आपका वॉरियर अगर जमीन से लग गया अच्छी बात, नहीं लगा तब भी कोई बात नहीं, फिर सांस भरते उठ जाइए, पीछे में हाथ रखिए, इनहेल करके रहो, रिलैक्स। ये आपका बहुत आसान है, कितना आसान है, सिंपल है कि आपने कौशिक किया, तांडव किया और योग मुद्रा कर लिया, मंडूकासन कर लिया और एक दो आसन और कर लिया, पवन मुद्रासन। इसी में मान लीजिए कोई अगर मैं बोल के इसी से दिखा रहा हूँ, तो बिल्कुल ही ऐसे ही बैठ पाएगा, तब भी देखिए क्या हुआ, आपके पेल्विक एरिया में एक्सरसाइज हुआ, यहाँ आपके ग्लैंड्स हैं उसमें प्रेशर हुआ और आपको आराम मिला, राइट। चलिए फिर से अब हम लोग थोड़ा सा और स्पेसिफिक होते हैं, राइट की तरफ झुकते हैं, लीवर को हम लोग एक्टिवेशन, ठीक है। अब जो लोग पद्मासन लगा के करते हैं ऑर्गन फिट होता है, फिर इनहेल करते हैं, और जिनका अच्छे से होता है वो अपना और ज्यादा ये कर सकते, ठीक है, रिलैक्स करके कर। ठीक है, और आगे जो एग्जिट, इनहेल, फिर पीछे इनहेल, इतना सा आसन करने से काम होंगे। अब जो उड्डयन है उसको, उड्डयन को एक्टिवेट करें, आराम से पासन मार के सुखासन पद्मासन जैसे बैठे थे, और जो हमने बताया कि आपको नाभि पर हाथ को रखा, सांस बाहर छोड़ के पेट के बाद में, ये चीज आराम से देखिए, उदयन लगा लिए, ठीक है, सांस लिए छोड़े,
एक योग मुद्रा और ये अग्निशर क्रिया इतना से भी काम है। ठीक है ना, 8 सेकंड कर लिए और आप थोड़ा सा इसमें और एड ऑन कर लिए तो लेट करके आप भवन उपासन कर लिए, सांस लीजिए है ना, और हाथ को पीछे खींचिए स्ट्रेच और पैर को आगे की तरफ, ओके, फिर अंदर की तरफ। जैसे अंदर खींचेंगे तो लोअर जो आपका है ये देखिए जो कमर का भाग है ये इसको नीचे लगाएगा, ओके, और फिर सांस छोड़ के इसको ऐसे दबाइए है ना, तो बहुत सिंपल है। और देखिए अभी यहाँ पे फिगर का एप्लीकेशन हो गया ना, है ना, नोज को तभी टच कीजिए जब आपका गर्दन दर्द नहीं हो, अगर मान लो नेक पेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है ऐसे ही करें, बाकी तो कैसे कर सकते। फिर 8 सेकंड के बाद देखिए आप हार्ट लंग्स को भी हम निकल गए पीछे, फिर दूसरी तरफ सांस को हाथ, ठीक है। इस तरह तो ये पवन मुक्तासन में भी आपका लीवर और पैंक्रियास बहुत आसान है। जिन लोगों को घुटने में दर्द है बोलो क्या दर्द भी कर सकते हैं ऐसे करके दवा से, ठीक है, नहीं तो आराम से ऐसे फिर इसका वैसा ओके ये हो गया। अब सुबह उठने की क्रिया में यही चीज आप जल्दी करें इस तरह एक्सेल इनहेल या श्वास का ध्यान ही नहीं देना है सुबह उठते समय, नींद खुलने तकिया हटाइए ऐसे दबाइए और सीधा कर दीजिए 4 बार बस हो गया खत्म, रिलैक्स। थोड़ा सा अब इसी में ऐड ऑन कर लीजिए अपना लेफ्ट राइट मूव कर लीजिएगा तो हार्ट और लंग और लीवर की भी प्रैक्टिस सबकी ट्विस्टिंग हो जाएगी तो उसका एक्यूट प्रेशर हो जाएगा। इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए, इसको थोड़ा पैर फैला के कर लीजिए, एक पैर का एडी दूसरे पैर का घुटने से स्पर्श करेगा इस तरह, ओके, एक पैर ऐसे करते ऐसे, ठीक है, इस तरह एक पैर का घुटना दूसरे पैर का एडी ये इस तरह गर्दन दूसरी तरफ जिधर पैर घुमा उसके दूसरे तरफ ज्यादा देर क्लीन हो तो ऐसे कर दो एक पैर को सीधा कर दो और अपोजिट पैर को आप दूसरे हाथ से ऐसे करके घुमाइए, ठीक है, ऐसे ठीक है ये हो गया आराम से रिलैक्स। तो ये सब अब लास्ट आसन एक भुजंग आसन कर लिया, ठीक है, अपना दोनों हाथ कंधे के बराबर तो उसको मिला करके एक पंजा मिला के और सांस भर के ये छाती के बराबर हाथ इतना इतना दूर है, ठीक है, हाथ बाहर रहेगा आपको जो बैलेंस करने में अच्छा लगेगा। अगर ऐसे होता है तो ठीक है, हाथ जिनका जितना आराम से उठता है पूरा उठाना है तो उठा सकते हैं, लेकिन आधा में भी ठीक है, जिन लोगों को तकलीफ ज्यादा है वो बिना हाथ में उठाए करते क्यों नहीं बिना उठा ऐसे ये आसान है ना सिंपल। और
थोड़ा सा एनर्जी लगाना है ले सकते हैं और ये शोल्डर पे जा रहा है इसका एक्यूप्रेशर जब वो पूरा सीधा कर देंगे तो ये मैं आपका चेस्ट हार्ट और लंग्स एंड थायराइड का है इसका एक्सरसाइज हो गया मेन अप एक मिनट में मिला सकते तो अच्छी बात है मिला के रखे तब फिर इसके अंदर से रिलैक्स ओके ऑक्सीजन के तरीका हार्ट लंग्स नीचे इस तरफ ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा इसमें जो है भांस है वो थोड़ा धनुराशि रिलैक्स ऐसे होना इसमें आपका नहीं हो पा रहा लेकिन एल्बो ये बेंडिंग करना है ये ऐसे भी होता है ना कि घुटना नहीं हो पाता है तब भी ठीक है ओके रिलैक्स चलिए अब लास्ट में शवासन ऐसे करके लेके और पूरे बॉडी को शरीर का एक एक अंग को सेट करके रिलैक्स करें रिलैक्स योर टोज रिलैक्स योर एंकल्स रिलैक्स योर नीज एंड थाइस रिलैक्स योर वेस्ट अबडोमेन रिलैक्स योर हार्ट एंड लंग्स Relax your neck and shoulders, arms, elbows, wrists, and fingers of the hands. Come back to the neck. Relax the face, chin, lips, cheeks, nose, eyes, eyebrows, forehead, and the brain is attached. Relax your body from nose to head and breathing. Head to toes, exhaling. धीरे धीरे हाथ करना है ताड़ासन करें बाएं करवट लेकर बैठ जाए ओके फिर उसी भाव में हाँ बने रहे लंबा गहरा सांस तब आसन सुखासन जिस भी आसन में बैठे तो ये बेसिक आपके आसना जैसे चार पांच बस उसकी किया तांडव किया मेडिटेशन में आप चक्र उसको बैलेंस किए और योग मुद्रा किए लेफ्ट राइट पैंक्रियास लिवर किडनी इंटेस्टाइन सब एक्टिवेट किया थोड़ा अनुसार किया उदयन उसी में हो गया पहले फिर आपने लेट कर पवन मुक्तासन कर लिया पैर को थोड़ा समझा लिया राइट मोड़ा लीवर का एक्सप्रेशन दिया लेफ्ट मोड़ा पेंसिलाइज का एक्सप्रेशन दिया फिर दोनों तरफ आपने ये किया
है ना। इसके बाद आप ये फिर मेडिटेशन ऊपर ऊपर जाओ, फिर उसके बाद पूरा आपका जो प्राण शक्ति है उसको नियंत्रण आप करिए। अब उसमें इतना ही आसन, मतलब हमने मरकट आसन भी कर लिया, फिर उल्टा लेट करके आपको भुजंगासन, धनुरासन, इतना सब करेंगे तो एवरी चक्रास हैज बीन एक्टिवेटेड नाउ। नाउ द प्राण चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए आपको प्राणायाम, जैसे आप ये उदय मुंडो लगा रहे थे सेम अग्निशाप या उदय ना, श्वास लिया छोड़ दिया, छोड़ कर पूरा पेट के अंदर ठीक है। इसी में आगे एडवांस लेवल पे उड्डयन मूलगन जलंधर, इसी में हमने अग्निशार क्रिया किया था, सांस लेके छोड़ दीजिए, फिर से कर लीजिए। ठीक है, 8 सेकंड होल्ड करने का फिर से। ओके, फिर आगे पीछे, मुद्रा से ध्यान रखिए, अपान मुद्रा में करना है इसको। ब्लड प्रेशर हार्ट के पेशेंट इसको बिना आचार्य के इंस्ट्रक्शन को नहीं करे, लेकिन हल्का कर सकते हैं धीरे धीरे इस पेस में। पांच सेकेंड सांस होगा, फिर रिलैक्स ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसके बाद उज्जैन में आपका जलंधर बंद के साथ, और मुद्रा में आप अपान से एक और मिला लीजिए उदान। ठीक है, श्वास लीजिए और खड़खड़ करते हुए आवाज निकालिए और कंठ को ऊपर ले लीजिए और खड़खड़ करते हुए नीचे। आपका खांसी आ रहा है, समझ लीजिए ठीक है। ये हो गया आपका, ओके। अभी सिंहासन शेर की तरह आवाज निकाल लीजिए, ये भी जरूरी है। आप ऐसे करके ऐसे इस मुद्रा में, सॉरी, ऐसे अजीब को बाहर निकाल लो। कैमरा फेस।
है ना, सब लोग करिए, बढ़िया सर, वेरी गुड। ये हो गया आपका एड्रेनल ग्लैंड का कंट्रोल, आराम से बस। अब भ्रामरी और उनका भ्रामरी में कान को हम लोगों से बंद किया, फर्स्ट फिंगर फॉरहेड में रखा है ना, अभी बंद मत कीजिए, सुनिए। और उसके बाद आईज पे आपकी मिडिल फिंगर, नॉस्ट्रिल पे आपकी रिंग फिंगर, और उसके बाद आपका लिप्स के बाद, और जो नॉस्ट्रिल वाली फिंगर है यानी जो रिंग फिंगर है उसको उठा लेंगे सांस लेने से, भौरे की तरफ भोजन करेंगे सांस भरी। ओंकार सांस भरो, ब्रह्म भाव में पुनः प्रतिष्ठित, ब्रह्म हर श्वास में ब्रह्म का जाप, योग निद्रा की सरसरी निगाह से ध्यान, पैर के अंगूठों से एड़ियों तक, एड़ियों से घुटनों तक ब्रह्म का जाप, घुटनों से रीढ़ के अंत में मूलाधार चक्र, ब्रह्म भाव हर श्वास में ब्रह्म, टेलीफोन यूरिनरी पॉइंट अधिष्ठान चक्र, ब्रह्म से लेना ब्रह्म से छोड़ना, नेवल पॉइंट मणिपुर चक्र, ब्रह्म भाव हार्ट चक्र हृदय के मध्य में, सेंट्रल चेस्ट हार्ट और लंग्स को रेजुविनेट कीजिए योग निद्रा ध्यान, थ्रोट विशुद्ध चक्र, गर्दन कंधे बाजू करनी कटाई तक ऊर्जा को प्रदान कीजिए, दोनों आंखों के बीच थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस, पिट्यूटरी ग्लैंड, दाढ़ी होंठ गाल कान नाक आंखें गौल ललाट और मस्तिष्क को जागृत करें, चिन लिप्स चीक्स ईयर्स नोज आईज आईब्रोज फॉरहेड एंड द ब्रेन इज रेजुविनेटेड, ब्रह्म भाव थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस पिट्यूटरी ग्लैंड आज्ञा चक्र, टॉप ऑफ द हेड सहस्रार चक्र पीनियल ग्लैंड, द कंप्लीट एनर्जी रेजुविनेटेड कम बैक टू द सेंटर ऑफ चेस्ट, इनहेल एंड एक्सहेल, हर श्वास में ब्रह्म भाव, चलते फिरते उठते बैठते खुली आंखें से ध्यान, आंखें बंद या खुली आंखें प्रार्थना, नित्यं शुद्धं निराभाषं निराकारं निरञ्जनं
नित्य बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्मा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना कश्चित् दुःख मा कुर्यात् सर्वे सुखिनः सभी रोग मुक्त हो, सभी हर चीज को शुद्ध दृष्टि से देखें, परिस्थिति विवश में किसी को प्रश्न हो, ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, देखो ये स्पष्ट हृदय में अपने आप को रिलीज करो। I salute my consciousness with the love of my heart. Touch the energy, feel the energy, conquer the whole Arupulaj, Sujog Therapy and Arupulaj. चलिए, बसु जी नमस्कार, कहाँ थे आज? आज सुबह में सर ये थोड़ी स्विमिंग करने चले गए थे सर जी। मेरी आवाज आ रही है सर? हेडफोन से मेरी आवाज आ रही है सर? हां हां बोलिए। हां सुबह में सर स्विमिंग करने चले गए थे थोड़ा सर। हां ग्रेट, स्विमिंग स्विमिंग के स्विमिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। आपका मणिपुर चक्र तक अगर रोज जो स्विमिंग करते हैं तो वो कभी भी कितना भी तनाव होगा उसको मैनेज कर सकते। लेकिन स्विमिंग में डाइविंग ऐसे नहीं करना। नहीं डाइविंग नहीं करना, सिर्फ कम पानी करने में हमेशा अब पहले पैर गरम, पेट नरम, माथा ठंडा, वह पूछो तो मारो डंडा। जो करे पहले माथा ठंडा है ना, उसको जिंदगी भर मिले डंडा। तो नहाते समय सबसे पहले नहीं डाल रहे हैं माथे पे पानी है ना, नहीं तो परेशानी ही परेशानी। इसीलिए सबसे पहले पैर को ठंडा करें, पेट को नरम। तो इसीलिए पैर में पानी दें, आप नदी में जाइए, स्विमिंग पूल में जाइए, पैर को ठंडा किया। उसी प्रकार अगर आप बाथरूम में ही आप स्विमिंग पूल बना रहे हैं तो क्या करिए कि पैर को ठंडा करिए, पेट एक टब लीजिए और टब में थोड़ी देर बैठ जाइए। इतना बड़ा टब नहीं है, नहीं तो अच्छा खासा फाइबर का आता है ना, उसमें कटी स्नान ही बात कहते हैं। सो इफ यू आर मर्जिंग योर दिस ग्लैंड लोअर ग्लैंड, अगर आपका लोअर ग्लैंड जो यूरिनरी पॉइंट है, जेनिटरी एरिया है, स्वाधिष्ठान चक्र सबसे ज्यादा कुंडलिनी योग में सबसे ज्यादा जो बाधा करता है वो आपकी सेक्सुअल ग्लैंड ब्रह्मचर्य की शक्ति नहीं होने से। दुनिया में आदमी ब्रह्मेणी विचरण ब्रह्मचर्य ब्रह्म भाव में जब तक आप लाना चाहते हैं तो पहला आपका बाधा है आपकी सेक्सुअल ग्लैंड यूरिनरी पॉइंट, उसको जो ठंडा कर रही है। तो इसीलिए स्विमिंग में कम से कम 15 मिनट डूबना है, डूबे रहे 15 से 20 मिनट डूबे रहे। जो डूबा वो भीगा, जो भीगा से गिरा वो पार, जो डूबा नहीं पार नहीं हो सकता, जो डूबेगा पार नहीं हो सकता। ये उल्टी कहानी है कबीर दास, जो डूबा सो पार, जो डूबो सो ऊपर गए और डूब गए सो पार। चलिए प्रमिला दीदी आपको धन्यवाद, आपकी कृपा। थैंक यू सर। ठीक है, एक डॉक्टर रोशन, एक प्रमिला दीदी। चलिए एक ताली बजाना रहेगा। Ha 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 ha!
Namaskar, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.